लेकिन तू नाली की असली गाद है, कीचड़ है। बोल, मेरी बात सुन लीजिए। ज्यादा आवाज बढ़ रही है। अगर तेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दू ना और कुत्ता बिल्ली के आगे घेर दू, जब भी मेरे शांति नहीं है, लेकिन तू बोल, तेरी हर बात का जवाब मेरे पास। है जिंदगानी, जिंदगानी
ये बता तू हिंदुवानी औरत है? हाँ पिया जी। तू पतिव्रता औरत है? जी पिया जी। जब तू हिंदुवानी औरत है और पतिव्रता औरत है तो ये बताइए वो पटका और कटारी कहाँ है? और ये बताइए जो भाई जंग पे तिल का निशान है जिसे मेरे अर्तोरे सुबह और कोई नहीं जान सकता और जिसकी शेर खान दावे से कहता है कि मेरे उससे संबंध है, वो पतिव्रता नहीं है हिंदुवानी औरत? लेकिन पिया जी मुझे तो अब पता लगा है कि आपने अपने गले में फांसी का फंदा किस बात पे डाला है। तो मेरी बात सुनिए कि जब आप चले गए थे तो आपके पीछे से आपकी बुआ जी आई थी, जब मैं नहा रही थी तब उन्होंने मेरी बाएं जांघ पे तिल का निशान देख लिया और वो पटका और कटारी आपकी बुआ जी मुझसे लेकर के गई है। किरण मई, पृथ्वी सिंह के कोई बुआ नहीं है। मेहरवाना बताते हैं कि जब राजा अकबर के दरबार में शर्त लग जाती है कि हिंदुओं में पतिव्रता औरत होती है या मुसलमानों में, और जान जान की बाजी की शर्त लग जाती है, तो धर्म बिगाड़ने के लिए शेर खान दूती को रिश्वत देकर भेजता है। नई नई शादी हुई थी किरणमयी और पृथ्वी सिंह की, और पृथ्वी सिंह ड्यूटी पे चले जाता, किरणमयी अकेली थी, आती है भुआ के रोल में पृथ्वी सिंह की भुआ बनकर, और जब नहा रही थी किरणमयी तो भाई जांग पे तिल का निशान देख लेती है और पटका और कटार को मांग के ले जाती है। 14-15 दिन रुक के जाती है कि ये पृथ्वी सिंह ने पटका और कटार मंगाए हैं। नंबर 4 में क्या लिखा बना? पटकाए और कटारी।